नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं आपके साथ हूं अंकिता दुबे। और इस वक्त मौजूद है हम जोशीमठ में। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये कोतवाली जोशीमठ है जहां पर आप एनडीआरएफ एसडीआरएफ साथ साथ पुलिस की तमाम टीमें देख रहे हैं। दरअसल ये टीमें यहां पर इसलिए मौजूद है क्योंकि एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके सचिव आर एम सुंदरम भी मौजूद थे, साथ साथ डीएम चमोली भी मौजूद थे। और इस बात पर वहां पर चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से 700 से ज्यादा मकान यहां पर जर्जर हो चुके हैं, मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं, क्या उन्हें ढहाया जाएगा, क्या उन्हें अब जमींदोज कर दिया जाएगा। लेकिन होजल, माउंट व्यू और मलारी इनकी अगर बात करें तो उन्हें ढहाया जाना था, कल ही दरअसल ये कार्रवाई हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से हंगामा बरपा, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसके मद्देनजर अब वहां पर सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो कर दिए गए हैं। पूरी रोड को, ये जो रोड आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। फिलहाल आवाजाही यहां पर शुरू कर दी गई है। लेकिन इस तरफ जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, दरअसल ये नया लगाया गया ट्रांसफार्मर है। उसकी वजह यह है कि कल यहां पर तारें काट दी गई थी सुरक्षा के लिहाज से, जिससे कि ये होटल जो आप मलारी इन देख पा रहे हैं, ये अगर गिरे तो इन तारों पर ना गिरे, इस जिससे कि कोई हादसा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ना हो। अब इन होटल्स की दिशा मोड़ दी गई है और एक नया ट्रांसफर यहां पर लगाया गया है, जिससे कि जब कार्रवाई हो, होटल्स को गिराया जाए तो किसी तरह का नुकसान बिजली की तारों की वजह से यहां के जो आम बाशिंदे हैं उन्हें ना हो। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो मीटिंग चल रही थी वो इस वक्त खत्म हो गई है। ये बड़ी अपडेट देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं कि जोशीमठ में 700 मकानों में आ चुकी दरारों को लेकर, उनको गिराने को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आपको लगातार बता रहे हैं। मीटिंग खत्म हो गई है और मीटिंग में तय यह किया गया है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो सचिव हैं आर एम सुंदरम, उन्होंने इस बात को लेकर सफाई दी है, इस बात को साफ किया है कि जो होटल हैं उन्हें गिराया जाएगा, फिलहाल जो रिहायशी घर हैं उन्हें नहीं गिराया जाएगा। सुनिए जरा। अब मैं ध्वस्तीकरण के बारे में एक मैटर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि केवल दो होटल का वो भी ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। तो जो सीबीआर की टीम आई है वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके अलावा कोई अन्य आवासीय भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है, लेकिन अभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही थी तो कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग कर दिया जाए। तो हमने कहा कि ये दो होटल हैं, इसका सरकार का निर्णय है डिसमेंटलिंग करें, क्योंकि अगल बगल के जो भवन है उसको रिस्क है। इसके अलावा अन्य भवन, भवन स्वामी खुद अगर अनुरोध करते हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है टिहरी झील में, मेरी मौजूदगी टिहरी झील में इसलिए है, देखिए मैं बोट पर सवार हूं ताकि पूरी तस्वीर आपको 360 डिग्री मैं दिखा पाऊं। टिहरी झील जिसे बनाया गया, इसको विकसित किया गया, विकसित इसलिए किया गया ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, लोगों को आकर्षित किया जा सके। यहाँ पर कॉटेजेस भी बनाए गए हैं, हाउस बोट्स भी यहाँ पर है और बेहद खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लोग आते हैं, लेकिन इस झील ने यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी कैसे बदल दी है वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। देखिए हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यह है, ये जो आप घर देख पा रहे हैं यह है रौलाकोट गांव। दरअसल ये गीली जो जमीन मिट्टी आप देख पा रहे हैं ये कृषि जमीन थी जो पूरी तरीके से पानी में समा चुकी है। अब यहाँ से जो वर्टिकल लेवल है लगभग 40 मीटर की दूरी है इस गांव पर और पूरा संकट है। यहाँ पर घर टेढ़े हो चुके हैं, जो सुबह रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी, घर जमीन में समाने का संकट है। और ऐसे एक गांव की तस्वीर नहीं है, अलग अलग इलाकों की ये तस्वीर है। जो टिहरी झील है ये जब पानी, जब बारिश होती है, जो लेवल होता है, जो मकान आप देख पा रहे हैं, जो ये पहाड़ कटे हुए हैं यहाँ तक लेवल पहुंच जाता है, उसके बाद अभी लेवल नीचे है, यानी का जो पानी का उतार चढ़ाव है, पानी जब नीचे होता है पानी ऊपर जाता है, जिससे पहाड़ सिकुड़ रहे हैं, पहाड़ खुल रहे हैं, जो कि रिपोर्ट में भी दावा किया गया है। और ये खूबसूरत तो है, नजारा खूबसूरत है, तस्वीर खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के बाशिंदों का वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में है। ये रौलाकोट गांव जहाँ पर अभी भी 150 परिवारों की मौजूदगी है। बोट में मेरे साथ कुछ ऐसी महिलाएं भी मौजूद हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। अब वहां पर आप देखेंगे किस तरीके से लैंडस्लाइड हुई है, जो ये पत्थर आप देख रहे हैं, जो पहाड़ आगे को आ रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन नसीब सिंह वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो पत्थर वहां से नजर आ रहे हैं। दरअसल ये लैंडस्लाइड हुई है, कृषि की जमीन तो नीचे समा चुकी है और ऐसा एक दिन में नहीं है, सालों से ऐसा हो रहा है, लेकिन अब नौबत बिगड़ चुकी है, अब तस्वीर ज्यादा भयावह है। आगे मैं आती हूँ इस बोट के जरिए और यहाँ से एक इलाके से दूसरे इलाके में लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को रोजगार का संकट है। इसके अलावा आप देखेंगे किस तरीके से ये पूरी जमीन धस गई है, यहाँ पर जो भूस्खलन हो रहा है, जो यहाँ से पहाड़ नीचे आ रहे हैं, ये परेशानी का सबब है। और आप देखेंगे ये यहाँ पर चावल की खेती हुआ करती थी, चावल यहाँ से अलग अलग इलाकों में जाया करता था जहाँ से लोगों की आमदनी भी होती थी, आमदनी तो अब रुक गई है। इसके अलावा ये
जमीन अब मकानों पर भी संकट है। अब वो मकान आप देख लीजिए जो ऊपर ये पीले रंग का और नीले रंग के मकान आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल यहाँ के बाशिंदे रहते तो हैं, दिन तो जैसे जैसे गुजर जाता है लेकिन रात काटनी बेहद मुश्किल होती है। एक तो यहाँ पर ये गाँव है जो की शहर से दूर है, यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा तो रहता है लेकिन संकट बहुत बड़ा है। आप देखिए किस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुई है, और उधर अगर हम देखें 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखाते हैं जो टिहरी झील है, यहाँ पर 100 से ज्यादा गांव इसमें समा चुके हैं। मेरे कैमरा पर्सन नसीब सिंह आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हम बात कर लेते हैं जोशीमठ की, जो जोशीमठ में इस वक्त हालात बने हुए हैं उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चमोली के डीएम ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है ये हम सुन लेते हैं। तक 723 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें अभी हमारे सर्वे के बाद दरारें परिलक्षित हुई हैं, और लगातार हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे टच में हैं कि किस क्षेत्र में अगर कहीं पर स्थिति अगर कहीं और कहीं दरारें परिलक्षित हो रही हैं तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। साथ ही साथ 131 परिवार अभी तक हम अस्थाई जो हमारे विस्थापन के लिए हमने रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया है। देखिए न्यूज 18 इंडिया पहला वो न्यूज चैनल है जो कि टिहरी में झील में पहुंचकर नाव के जरिए वो तमाम इलाके आपको दिखा रहा है जहां पर आम तरीके से पैदल चलकर पहुंचना नामुमकिन था, किस तरह के वहां के हालात हैं। लेकिन यकीन मानिए न्यूज 18 इंडिया जब उत्तराखंड के कोने कोने में पहुंचा तो लोग उम्मीद भरी नजरों से न्यूज 18 इंडिया को देख रहे थे क्योंकि पहला वो चैनल है जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, और किस तरीके से यहां पर प्रशासन न्यूज 18 इंडिया की खबर दिखाए जाने के बाद पहुंचा है, साफ तौर पर लोग शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए न्यूज 18 इंडिया का। लेकिन इस वक्त देखिए मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम यहां पर अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस की टीमें मौजूद हैं, एसडीआरएफ मौजूद है, एनडीआरएफ मौजूद है, और मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके पीछे अगर आप उन पहाड़ों पर देखें तो देखिए किस तरीके से बादल आए, दरअसल अगर दूर से ये बादल नजर आ रहे हैं साफ तौर पर ये दरअसल बादल नहीं है, ये वहां पर बर्फबारी हो रही है, और आईएमडी की फोरकास्ट भी यही कहती है कि बारिश और बर्फबारी के पूरी तरीके से आसार है, और अगर बारिश और बर्फबारी हुई तो ये जो पूरा इलाका है दरअसल ये और ज्यादा कमजोर हो जाएगा क्योंकि ये पूरा का जो पूरा जोशीमठ है वो मोरेन्स पर बसा हुआ है। मोरेन्स यानी जो ग्लेशियर जब फटता है, ग्लेशियर आता है तो उसके साथ जो अस्थायी मिट्टी आती है उसे मोरेन्स कहते हैं, जो भुरभुरी होती है, अस्थायी होती है, बारिश हुई तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे, इसीलिए इस वक्त प्रशासन मुस्तैद है। लेकिन 5 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि जोशीमठ का दर्द क्या है, किस तरीके से लोग अब घरों को छिन जाने की वजह से परेशान हैं, उनकी तमाम उम्मीदें, उनके तमाम सपने, ये सब एक साथ खत्म होते जा रहे हैं, ये 5 तस्वीरें बताएंगी आपको। तो मेरी सहयोगी अंकिता आपको ग्राउंड रिपोर्ट जोशीमठ से दिखा रही थी, मैं दीपक के पास भी चलूंगी लेकिन जल्दी से तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं क्योंकि मैं नाव पर सवार हूं और ये रौलाकोट गांव है। दरअसल हम लोग टिहरी झील में इस वक्त मौजूद हैं और यहां से आप देखेंगे किस तरीके से यहां पर ये लैंडस्लाइड हुई है और ये मकान ऊपर है, खतरा इन पर भी है क्योंकि जब बारिश होती है पानी का लेवल अभी नीचे है, जो यहां पर आप ये पॉइंट देख रहे हैं जहां पर ये नीला मकान है उससे कुछ नीचे यानी कि 30 मीटर नीचे लगभग तक पानी का लेवल होता है, जिसके बाद जो उतार चढ़ाव हो रहा है ये पूरी जमीन को ही खोखला कर रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज निंजा पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, और अब चलते हैं मेरे सहयोगी दीपक के पास जो उत्तरकाशी में मौजूद हैं। दीपक, हर जगह स्थिति भयावह है, अगर हम जोशीमठ की बात करें, हम टिहरी की बात करें, हम कर्णप्रयाग की बात करें, उत्तरकाशी में आप किस गांव में मौजूद हैं और वहां के लोगों की क्या स्थिति है? उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव में हूं। मस्ताड़ी गांव जो 1991 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत था, यानी उत्तराखंड उन दिनों बना नहीं था, लेकिन उस दौर में अचानक भूकंप आया। भूकंप आने के बाद से आज भी लगातार लोग यहां पर जो तस्वीर और जो नए नए दरारें या फिर दबाव झेल रहे हैं वो उनकी तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। ये देखिए यहां पर आप इतना पूरा जो गैप देख रहे हैं, इतनी बड़ी दरार देख रहे हैं, शायद आपने इसी तरह की दरारें आजकल जोशीमठ में दिखाई दे रही हैं, टिहरी में दिखाई दे रही है, साथ ही कर्णप्रयाग में दिखाई दे रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार जमीन जो है वो धस रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि ये सब हम इतने समय से यहाँ पर झेल रहे हैं। ये देखिए इन लोगों ने गैपिंग को दूर करने के लिए इस तरह से पत्थर रखे हैं ताकि ये गैपिंग जो है भर जाए, क्योंकि इन्हें विस्थापन किया जाना था लेकिन सरकार के द्वारा कोई अभी तक प्रयास नहीं है, ऐसा इन लोगों का दावा है। और ये एक जगह नहीं बल्कि कई पूरा जो हिस्सा है ये 3-3 इंच यहाँ पर दबा हुआ महसूस होता है क्योंकि यहाँ से लेवल नीचे डाउन हो रहा है और ये पूरा जो गांव का इलाका है ये सब इसी तरीके से डाउन हो रहा है। तो देखिए मौसम यहाँ जोशीमठ में लगातार बदलता जा रहा है, ठंड यहाँ बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से आईएमडी की जो फोरकास्ट है वो कहती है कि आज यहाँ बारिश होगी, बारिश होती है, बर्फबारी होती है तो हालात यहाँ के बेहद खराब होते जाएंगे। दरारों के साथ साथ हम आपको ऊपर लिए चलते हैं, दरअसल यहाँ पर जो इस होटल को जिसको जमींदोज किया जाना है उसके मालिक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर,
लेकिन सहयोग क्या लगता है प्रशासन से नहीं मिल रहा है? अब यहाँ पर दरअसल पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे किस तरीके से 700 जो तमाम घर हैं उन्हें जमींदोज किया जाएगा और क्या कुछ मांगे हैं ये भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपको तस्वीर तमाम दिखाते जा रहे हैं, जरा ये देखिए, आप होटल के मालिक हैं, क्या क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे कल से आप लोगों को बता रहा हूं मैं, हमने सरकार और प्रशासन से ये कहा था कि बद्रीनाथ के तर्ज पे सेटलमेंट हमारा होना चाहिए। लेकिन सर डिजास्टर वो प्रोजेक्ट अलग था, डिजास्टर के तर्ज पे क्यों नहीं मांगा आपने? नहीं, डिजास्टर के आप ये लगाइए कि ये जो आज हो रहा है जोशीमठ में एनटीपीसी के टनल से हो रहा है और शासन प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं है। सर जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करके बैठे, ये होटल पीछे पलटने को है, ऐसे में ये तमाम जाने खतरे में है। ये तो सरकार से बोलिए ना आप, ये शासन प्रशासन से आप बोलिए, हमसे क्यों बोल रहे आप? सर बैठे आप लोग है ना? नहीं, आप उनसे बोलिए, आप उनसे बोलिए, इसी होटल पे बैठे हैं। सुनिए सुनिए, आप उनसे बोलिए, ये हमसे मत बोलिए। आप देखिए होटल के मालिक हैं और साफ तौर पर इनका गुस्सा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी भी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से 700 घर अब खतरे की जद में हैं, उनमें मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रशासन लगातार कोशिश यही कर रहा है कि इन लोगों को खतरे से निकाला जाए, सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन ये जो खतरा है वो दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, विकराल होता जा रहा है। देखिए कैसे धंसती जमीन, मकानों में दरार, दहशत में लू, जोशीमठ की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर हर कोई परेशान हो उठा है, क्योंकि बात सिर्फ जोशीमठ की नहीं है बल्कि टिहरी और उत्तरकाशी से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद सबसे पहले खतरे के मुहाने पर बैठे जोशीमठ में प्रशासन की तरफ से उन घरों को गिराने के लिए चिन्हित किया गया जो खतरे की जद में है। जोशीमठ में 700 से ज्यादा मकानों पर खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं 85 से ज्यादा घर असुरक्षित घोषित कर दिए गए हैं, जिसके बाद कई मकानों को खाली कराया जा चुका है। जिन मकानों को खाली कराया गया है उनकी हालत काफी डरावनी बताई गई। छावनी बाजार में सबसे पहले मैं आपको वो सबसे ऊपर की बिल्डिंग दिखाऊंगी, वो बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि अगर वहाँ पर पैर रखा जाए तो शायद वो बिल्डिंग जो है वो धड़धड़ा कर नीचे गिर जाए। अब उसके बाद की नीचे की बिल्डिंग में आई है, उसमें इतनी मोटी मोटी दरारें हैं कि दीवार का आगे का हिस्सा जो है वो निकल गया, केवल ईंट ईंट रह गई है। क्योंकि उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे, जहाँ पर आपको एक लकड़ी का दरवाज़ा दिख रहा है, उसकी साइड में ऊपर की तरफ जो दरारें हैं वो कितनी गहरी हो गई कि साइड की दीवार तो है ही नहीं, खैर ऊपर आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी गहरी दरारें जो है वो पड़ गई हैं। और ये कहानी जोशीमठ के एक घर या एक इलाके की नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जोशीमठ इस खतरे से जूझ रहा है। अगर ये मकान गिरा तो उसके नीचे मौजूद इस घर का वजूद मिटना तय है। प्रशासन ऐसे घरों को खाली कराने की कवायद में जुटा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अपने आशियाने को खाली करने को तैयार नहीं है। जो है परमेश्वर में भरोसा है, रखेगा तो वही, डालेगा तो वही। दो चार दिन की व्यवस्था हमारा कोई पूरा नहीं कर पाएगी। अगर हमें व्यवस्था देनी है तो हमेशा के लिए दीजिए, ऐसी हमारी मांग है, ऐसे हम चाहते हैं। अपना घर छोड़ना कोई इतनी आसान से अपने घर कोई नहीं छोड़ता है। इस बीच खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू होने से पहले जोशीमठ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों की मांग है कि सरकार की तरफ से उन्हें पहले मुआवजा दिया जाए, और उन्होंने बद्रीनाथ प्रोजेक्ट के दौरान वहां के लोगों को मिले मुआवजे जितनी रकम की मांग की। हालांकि इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजने की बेहद कोशिश की, मगर लोगों ने उनकी एक न सुनी और लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। बद्रीनाथ के तर्ज पे जो मुआवजा है वो अगर सरकार लिखित में देती है तो उस पे कुछ बात होगी। जबकि खुद मामले की गंभीरता को देखते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जोशीमठ पहुंचे थे और हालातों का जायजा लेने के साथ ही प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी। जिन्हें दरार और पानी के रिसाव की वजह से अपने मकान छोड़ने पड़े उनकी मदद का भरोसा दिया था। अभी जान माल की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। जोशीमठ के लिए एक एक पल बेहद जरूरी है और खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि जो दरारें सिर्फ नजर आ रही थी वो अब डरा रही हैं। इसलिए प्रशासन जल्द से जल्द जोशीमठ के संवेदनशील इलाके से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजने में जुटा है और उन इमारतों को गिराने की कोशिश है जो खतरे की जद में है। तो
तो देखिए जोशीमठ में पल पल हालात इसलिए भी और खराब होते जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त अब हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई है। वहां पर देखिए आप उन पहाड़ों पर देखिए किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। ये बर्फनुमा जो बादल नुमा आपको चीज दिखाई दे रही है, दरअसल वो बर्फबारी हो रही है और अब यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई है जो कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अब ये बढ़ेगी, इसी तरीके से बढ़ेगी। स्थानीय लोगों से जल्दी से बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारी सहयोगी जसप्रीत के पास जाएंगे। सर बारिश हो रही है, क्या हालात खराब होंगे? हाँ सर, ये बारिश के कारण हालत तो और भी ख़राब होते नज़र आ रहे हैं और अभी तक तो मौसम ठीक था तो लोगों की आशाएं बनी हुई थी, लेकिन अब मौसम ख़राब होने के कारण अब तो और भी स्थिति डामाडोल होती जा रही है। मैं ठीक है, देखिए स्थिति और ज़्यादा डामाडोल होती जा रही है क्योंकि हम बार बार ये कह रहे थे कि मोरेंस पर ये बसा है, अस्थायी मिट्टी है और ऐसे में जब ये धंसेगा तो जाहिर है कि जिन घरों में दरारें हैं वो जमींदोज होने के कगार पर आ जाएंगे, वो उन पर खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, जो लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं उनके लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जोशीमठ में जिस तरीके से IMD की फॉरकास्ट थी कि बारिश आज हो सकती है, बारिश होनी शुरू हो गई है, साथ साथ ऊपरी इलाके जो है वहाँ पर बर्फबारी होगी, इस इलाके में भी बर्फबारी होने के आसार हैं और अगर ऐसा हुआ तो वाकई हालात यहां पर खतरे से खाली नहीं होंगे और ज्यादा यहां पर खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन हमारी सहयोगी जसप्रीत लगातार टिहरी से नाव में बैठकर तमाम वो तस्वीरें दिखा रही है जहां पर अभी तक कोई चैनल नहीं पहुंच पाया है। ओवर टू यू जसप्रीत। बिल्कुल अंकिता, जो रिपोर्ट आप दिखा रही है, देखिए वहां पर तो बर्फबारी का खतरा है लेकिन यहाँ पर भी मौसम बदल रहा है, ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है लेकिन यहाँ पर जो है खतरा इसको लेकर के है कि जो गांव यहाँ पर समा गए हैं। एक बार जल्दी से तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि सरकार तो कदम उठा रही है, जोशीमठ में वहां पर अधिकारी मौजूद है लेकिन जोशीमठ के अलावा टिहरी में जो इस वक्त स्थिति है, तमाम गाँव है, जो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी नसीब सिंह आपको सीधी तस्वीरें नाव से टिहरी झील की तमाम गाँव की दिखा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं इक्का दुक्का घर आपको नजर आ रहे होंगे, दरअसल इनकी जमीनें तो समा चुकी है, इसके अलावा खतरा इन पर भी है। और आगे अगर नसीब आप उस तरफ की तस्वीर दिखाएं तो हम आपको बताएं कि जो टिहरी झील है उसको पर्यटन के लिहाज से भी विकसित कैसे किया गया है, वो कॉटेजेस आपको नजर आ रहे होंगे, यहां पर सैलानी पहुंचते तो हैं, इसके अलावा वो हाउस बोट्स भी वहां पर चल रही हैं, लेकिन जो गांव के बाशिंदे हैं वो पलायन भी कर चुके हैं। ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे लेकिन जोशीमठ में इस वक्त स्थिति भयावह है, लेकिन अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जिस जोशीमठ कोतवाली के बाहर NDRF SDRF की टीम मौजूद है, इसके अलावा वहां पर पुलिस भी मौजूद है। मेरी सहयोगी अंकिता दुबे ने जायजा लिया। इस वक्त हम कोतवाली जोशीमठ के बाहर मौजूद हैं जहां पर NDRF SDRF की टीमें साथ साथ पुलिस की कई टीमें तैनात हैं और साफ तौर पर प्रदर्शन को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। हमारे साथ सर क्या तैयारी? अभी कुछ नहीं तैयारी, कुछ भी क्या है यार। तो देखिए क्योंकि ये कल मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया था, ऐसे में जो तमाम पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं कोई भी जवान कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस होटल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, साफ तौर पर चैलेंज बहुत बड़ा है पुलिस के सामने, NDRF की टीमें और SDRF की टीमों के सामने भी, कि इस हंगामे को कंट्रोल करते हुए, इस हंगामे को बचाते हुए सुरक्षित लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया जाए। तो देखिए एक तरफ होटल मलारीन जो कि जमींदोज होने की कगार पर है वहां पर बैठे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खतरा अब इस जमीन के, ये जो जोशीमठ इलाका है उसके और ज्यादा ढह जाने का इसलिए भी है क्योंकि लगातार देखिए अब जो बारिश होनी शुरू हो गई, पहले फुहारें पड़नी शुरू हुई लेकिन अब ये फुहारें बड़ी बड़ी बूंदों में तब्दील हो गई है। लेकिन वहां देखिए आप देखिए ये पहाड़ों की ऊंचाई पर वहां पर हालात कैसे हैं और ये हालात, और यहां पर तेज हवाएं भी चलनी शुरू हो गई हैं और ऐसे में माना ये जा रहा है कि अब जल्द यहां पर बारिश होगी और अगर बारिश होती है, जो अस्थाई मिट्टी है मोरेंस पर जोशीमठ बना हुआ है, अब यहां पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि जो क्रैक हो चुके मकान है, दरारें जहां पर पड़ चुकी है, जहां पर धरती धस चुकी है, जमीन फट रही है, वो अब और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, कमजोर होने के बाद किसी भी क्षण कभी भी धराशायी हो जाएंगे और कई जिंदगियां जो है वो खतरे में रहेंगी। और इसी जद्दोजहद में अब प्रशासन यहां पर है, चुनौती प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, SDRF NDRF की टीमों के सामने यह है कि सुरक्षित लोगों को बचाया जा सके। लेकिन टिहरी से हमारी सहयोगी जसप्रीत की एक रिपोर्ट आप देखिए जो कि बताती है कि किस तरीके से वहां पर हालात और ज्यादा खराब है और इन खराब हालातों के बीच किस तरीके से लोगों को वहां से पलायन करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कितनी धूल यहां पर है और हवाएं बहुत तेजी के साथ चलने लगी है, धूल उड़ने लगी है और इस बदलते मौसम के बीच माना यह जा रहा है कि जोशीमठ का ये जो पूरा इलाका है ये खतरे में है। क्या प्रकृति किसी बड़े प्रलय की ओर इशारा कर रही है? लगातार ये सवाल बना हुआ है। इस सवाल के बीच ये रिपोर्ट देखिए जरा। मैं मौजूद हूँ टिहरी के रोलाकोट गांव में और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, यहाँ पर स्थिति जोशीमठ जैसी भयावह है, लोग संकट से गुजर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये घर किस तरीके से धस रहे हैं, आप देखेंगे जितना गैप ऊपर है उतना ही गैप नीचे होता है लेकिन ये धस चुके हैं। यहाँ पर कमरे हुआ करते थे, अगर मैं अंदर जाने की कोशिश भी करूंगी तो भी मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि पूरा मलबा है और जो यहाँ के लोग हैं वो पूरा इलाका छोड़ करके जा चुके हैं। ये जो गैप है ये कितना धस चुका है कि एक खड़े हो जाए। तो देखिए लगातार
लगातार मौसम बदलता जा रहा है, यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगी और तेज हवाओं के साथ जो मिट्टी इन पहाड़ों पर है वो भी उड़ उड़ कर आ रही है और ऐसे में ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर का इलाका अगर आपको दिखाएं, मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी कि इस तरफ आए और वो पहाड़ों पर दिखाएं किस तरीके से हालात बदलते जा रहे हैं। दरअसल देखिए कि कैसे वहां पर धुंध है, दरअसल ये धुंध नहीं है, दूर से धुंध प्रतीत होती है, दूर से बादल प्रतीत होते हैं, लेकिन ऊंचाई पर बर्फबारी होनी शुरू हो गई है और यहां पर पहले हल्की हल्की फुहारें पड़ी और ये हल्की हल्की फुहारें जो है वो बड़ी बड़ी बूंदों में तब्दील हो गई। तेज हवाएं चल रही है, तेज हवाओं के साथ धूल धक्कड़ भी यहां पर आ रहा है और ये एक बड़ी और वजह बन रहा है लोगों की परेशानी का। ऐसे में ये प्रदर्शन जो यहां पर लगातार चल रहा है, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि धूल आए, आंधी आए, तूफान आए, बर्फ पड़े, बारिश, लेकिन हम अपना प्रदर्शन कम नहीं करेंगे। लेकिन यकीन मानिए जिस तरीके से मौसम के यहाँ पर हालात बदल रहे हैं, मौसम यहाँ पर बदल रहा है, मुराइंस पर बसा जोशीमठ का ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये जमींदोज होने की कगार पर है और इसलिए है क्योंकि मुराइंस वो मिट्टी, वो चट्टाने होती हैं जो कि ग्लेशियर्स के फटने के बाद जब नीचे आती हैं एक साथ, तो ग्लेशियर जब पिघल जाते हैं या बारिश होती है तो वहीं की वहीं रह जाती हैं। वो दरअसल पूरी तरीके से स्थायी नहीं होती है, पूरी तरीके से मजबूत नहीं होती है और ये जब भी किसी तरह का छोटा मोटा लैंडस्लाइड हो या फिर बड़ा भूकंप आए तो एकदम गिरने के कगार पर हो जाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर ये पहाड़ों को देखिए, ऊपर ऊपर के जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं और उस तरफ आप पहाड़ों में हल्का फुल्का जो बदलाव आया है वो देखिए और यही बदलाव इस तरफ के पहाड़ों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी जो है वो अब जोशीमठ तक पहुंचने लगी है और बूंदे यहाँ पर हम महसूस कर पा रहे हैं कि हो रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर हालात बेहद खराब थे, दरअसल तेज हवाएं चल रही थी, आंधी चल रही थी और ये जो मौसम है ये दिन भर यहाँ पर बना रहेगा, IMD की जो फोरकास्ट है वो ये कहती है। लेकिन उस तरफ अगर हम आपको दिखाएं, मीटिंग खत्म हो चुकी है और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन की टीमें हैं वो दरअसल अब कोतवाली जोशीमठ से बाहर आएंगी और ये जो यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसे संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी सहयोगी जसप्रीत लगातार हमारे साथ बनी हुई है टिहरी से, वो बोट के जरिए हमें दिखाने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ हालात टिहरी में है। ओवर टू यू जसप्रीत, दिखाइए क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। बिल्कुल अंकिता, जिस तरीके से आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हैं, दरअसल देखिए अब हम पहुंच चुके हैं ये पुल के पास। दरअसल ये सस्पेंशन पुल है, यानी कि हेवी व्हीकल्स के लिए इसको बनाया गया है ताकि जो गांव में एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचना आसान हो पाए। हम नाव में सवार हैं, टिहरी झील में है और काफी बड़ी ये झील है जिसमें ये पुल का भी निर्माण किया गया। लेकिन विकास तो यहाँ पर तेजी से हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों की जिंदगी कैसे खतरे में है ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये पुल है। अब आप जो 360 डिग्री व्यू देखेंगे इसमें ये झील के साथ साथ तमाम गांव हैं जिसमें कई लोग पलायन कर चुके हैं, कई लोग अभी भी हैं लेकिन उनकी कृषि की जमीन समा चुकी है, घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं और ऐसा अभी नहीं हुआ है कि एकदम से हुआ है या एक साल में हुआ है, सालों से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब स्थिति गंभीर हो चली है, ऐसे में ये लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि झील में हम लोग हैं और नाव में आने का मकसद है, मकसद ये है कि नाव के जरिए एक साथ हम आपको पूरे गांव की तस्वीर किस तरीके से यहां पर लैंडस्लाइड हुई है, कैसे पहाड़ दरक रहे हैं, कैसे पहाड़ आगे को आ गए हैं, कैसे पानी का लेवल, क्योंकि अभी आप देखेंगे झील में जो पानी का लेवल है ये नीचे है। अब जहां तक आपको ये आगे मिट्टी गीली नजर आ रही है यहां तक पानी का लेवल होता है, यानी कि लगभग जब ये झील ऊपर होती है, बारिश होती है तो 200 मीटर लेवल होता है, यानी कि अब से लेकर के जो झील की गहराई है ये लगभग 200 मीटर की है, तो काफी गहरी ये झील है और अब हम इस पुल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य है, उत्तराखंड देवों की भूमि है, प्राकृतिक सौंदर्य की नगरी है और यहाँ पर कण कण में देवताओं का निवास तो है लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी लोग खींचे चले आते हैं। अब उधर उस अगर नसीब सिंह उधर आप तस्वीरें दिखाइए, वो जो घर आप देख रहे हैं, देखिए घर भी काफी कम होते हैं गांव में, गांव की जिंदगी वैसे ही मुश्किल होती है, लेकिन ये जो घर है इसमें से अधिकांश घर ऐसे हैं जहां पर लोग नहीं रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में रह रहे हैं, कुछ लोगों का पुनर्वास हुआ है, उनको सरकार की तरफ से जमीन दी गई है, मकान दिए गए हैं, वो छोड़ के चले गए हैं। लेकिन बड़ा संकट संस्कृति को लेकर के भी है और इस बीच लगातार हम आपको हालात दिखा रहे हैं किस तरीके से हालात हुए हैं। मेरी सहयोगी ने भी एक रिपोर्ट भेजी है, हालात का जायजा लिया है, उत्तराखंड में किस तरह के हालात हैं, वहां पर कैसे मोटी मोटी दीवारें आ गई हैं, एक रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मलारी इन, होटल मलारी इन के बाहर जिसे आज जमींदोज किया जाना है। दरअसल होटल माउंट वी और मलारी इन को अगर आप देखें तो किस तरीके से दोनों होटल्स ये एक दूसरे पर टिके हुए हैं, झुके हुए हैं। ऐसे में अगर हम आपको दरारें दिखाएं, खतरा कितना बड़ा है। दरअसल आप ये जो क्रैक्स है ये देख पा रहे हैं और ये जो आप क्रैक्स देख पा रहे हैं इसका इस तरीके से उखड़ने का साफ मतलब है कि ये जो होटल है वो पीछे की साइड गिरेगा। पीछे की साइड की जो तस्वीरें हैं वो भी हमने आपको दिखाई थी कितनी खतरनाक है और अगर ये होटल पीछे की साइड गिरता है
है कंट्रोल, अगर इसका डिमोलिशन नहीं कराया गया तो यकीन मानिए सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर कल देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। साफ तौर पर जो होटल के मालिक हैं, जो स्थानीय लोग हैं जिनकी इमारतें जर्जर दरअसल हो चुकी हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमें उचित मुआवजा दीजिए। और मुआवजा दरअसल वो बद्रीनाथ के तर्ज पर मांग रहे हैं कि उतना ही मुआवजा हमें मिलना चाहिए, डिजास्टर के हिसाब से नहीं मांग रहे हैं, और इस मांग पर अड़े हुए हैं इसी होटल के बाहर। तो दरअसल यहाँ पर देखिए बुलडोजर का मूवमेंट शुरू हो गया है। जब हमने बुलडोजर के ड्राइवर से बातचीत की है तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि ये बुलडोजर मूव किया जा रहा है जिससे कि इस होटल के पास तक लाया जा सके। हालांकि ये होटल कब जमींदोज किया जाएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि इस बुलडोजर में लाद कर तमाम वो सामान लेकर आया जाएगा जिससे कि ये होटल मलारी इन और माउंट पी को जमींदोज किया जा सके। और उधर अगर आप देखें तो देखिए किस तरीके से पुलिस वहां पर मौजूद है और पुलिस किसी भी वक्त अब बाहर निकल सकती है। यहां पर एक्शन क्या देखने को मिलेगा, क्या होटल को अभी जमींदोज कर दिया जाएगा या फिर जो लोग तमाम वहां पर मौजूद है उनसे बातचीत की कोशिश की जाएगी, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लोग बहुत गुस्से में हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में जो तोड़फोड़ हुई थी, जो घर वो अक्वायर कर लिए गए थे, वहां पर जो मुआवजा मिला था वो मुआवजा